ऑल राइट फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम आपको 18x33 फीट या फिर 18x30 फीट में बना हुआ घर का जो है नक्शा आज आपको दिखाएंगे। वीडियो में पूरा बने रहेगा और इसके साथ हम आपको बताएंगे इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना, नंबर यहाँ पर कॉलम इस्तेमाल किया गया, वो पूरा जानकारी आपको वीडियो में अंत तक हम बता देंगे। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल को। और उसी के साथ आपको इसका कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या फिर ये जो इमेजेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो awesomehouseplan.com वेबसाइट है, या फिर मैं अपना लिंक दूंगा, वहां पर जाके भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस प्लान के बारे में। ये प्लान देखिएगा दोस्तों, 18x33 फीट में साउथ फेस यानी कि आपका जो साउथ दक्षिण दिशा बोलते हैं, दक्षिण वहां पर इसका मेन एंट्रेंस दिया गया। चलो फुल व्यू में देख लेते हैं आप। ये देखो साउथ फेस की तरफ पार्किंग एरिया दिया हुआ है, 6x8 फुट 6 इंच में, वो 14 नहीं है। उसके साथ बेडरूम नंबर 3 6x8 फीट 3 इंच। एंड यहाँ पर आने के बाद आपको मिल जाता है हॉल 14x9 फीट में हॉल। फिर देखिएगा किचन 6 फुट 3 इंच x5 फीट में किचन, पूजा रूम लिया गया। और नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ एंड ईस्ट कॉर्नर की तरफ बेडरूम नंबर 1 जो कि लगभग 8x9 फीट में है। एंड इसी के साथ इधर दूसरा वाला बेडरूम 8 फीट 9 इंच x9 फीट। चलो अब बात करते हैं, ये तो आप लोग प्लान देख लिए पूरा फुल व्यू में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कितना पैसा चाहिए आपको इस टाइप का एक घर कंस्ट्रक्ट करना है। तो अप्रोक्सीमेट देखिएगा आपको इस टाइप का घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए लगभग 15 लाख रुपीज इजीली चाहिए आज की इस दौर पर। देखिएगा 30x40 रहा तो इजीली आपको 12 लाख रुपीज सिर्फ छत तक जा रहा है, बाकी का इंटीरियर डिजाइन हो, प्लम्बिंग वर्क, उसके लिए आपको अप्रोक्सीमेट और एक 10 लाख रुपीज चाहिए। सो लगभग 20 लाख रुपीज इजीली चाहिए 30x40 घर कंस्ट्रक्शन करना है तो। एंड आपको और कुछ इमेजेस दिखाऊंगा 3D कट सेक्शन, अगर किसी को चाहिए 3D कट सेक्शन तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये देखो यार, ये है 3D कट सेक्शन जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है आपका रूम किस तरह कौन सा पोजीशन पे आ रहा है बोल के। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, ये आपका आ जाएगा स्टेयरकेस और बेडरूम, यहां पर है आपका लिविंग एरिया, किचन और कॉमन टॉयलेट, बाथ, नहाने के लिए जगह। सो इस तरह के क्लियर कट आइडिया भी मिलता, अगर किसी को चाहिए इस तरह का तो इसका फीस है 1000 रुपीज ओनली, स्पेशल ऑफर फॉर यू। तो आपके पास प्लान रहना फर्स्ट, उसके बाद 3D कट सेक्शन जैसा ये आप इमेज देख रहे हैं ना उसी तरह का, और वीडियो भी चाहिए तो हम वीडियो भी अपलोड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या है, रेंडर्ड इमेजेस है, इस तरह का इसका क्वालिटी और क्लियरिटी आ रहा है। आपको एक क्लियर कट आइडिया मिलता फर्नीचर पोजिशन कहाँ पर रख सकते हैं और TV पोजिशन से सब। और एक इमेज है पूरा टॉप व्यू से आप देख सकते हैं इसको, मैं जूम इन करके दिखाऊंगा आपको, देखो कितना मस्त दिख रहा है ना। ये और एक 3D कट सेक्शन। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं इस प्लान के बारे में। 18x33 का इसका टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 15 लाख रुपीज इजीली चाहिए आपको। सेपरेट टैंक के नीचे आप स्टेयरकेस के नीचे आप सेपरेट टैंक बना सकते हैं। एंड हॉल में एक विंडो लीजिएगा, उसके साथ कॉमन टॉयलेट मत में एक वेंटिलेटर। और मेन डोर की साइज बात करें तो आप लगभग ले सकते हैं 4 फीट विड्थ में रहेगा, हाइट तो लिंटल हाइट स्टैंडर्ड हाइट है 7 फीट रखिए। किचन में ओपनिंग छोड़ सकते हैं आप, तो इस तरह का प्लान। कॉलम साइज 9x15 इंच कॉलम, कॉलम पोजिशन भी आप देख सकते हैं बट आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा। ये कॉलम जो है यहाँ पे जो PLAN डॉट है ना वहां पे कॉलम आ जाएगा। वॉल की साइज बात करें तो यहाँ पर फिलहाल लिया गया सिर्फ सिंगल ब्रिक का, आप आउटर वॉल डबल लीजिए। चलिए इसको यहाँ पर ही स्टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच आपको भी वीडियो को देखे आप लोग एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हैव ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कंस्ट्रक्शन।